गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ज़ैनब अख्तर, लेक्चरर मैकेनिकल जीपीसी 12। इस लेक्चर में बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करूंगी, जो बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ME204 थ्योरी ऑफ मशीन की यूनिट नंबर 7 का टॉपिक है। दीज आर द आउटलाइंस ऑफ दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकेटिंग मासेस की बैलेंसिंग करने का पर्पस क्या है। तो किसी भी रेसिप्रोकेटिंग मास सिस्टम, फॉर एग्जांपल हम किसी रेसिप्रोकेटिंग इंजन को कंसीडर कर सकते हैं। जब इंजन हमारा ऑपरेशन में होता है तो इसमें शेकिंग फोर्सेस और शेकिंग कपल लगते हैं। तो इन शेकिंग फोर्सेस और शेकिंग कपल की यदि बैलेंसिंग नहीं की जाए तो इस केस में इंजन में बहुत अधिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो इन वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम कोई बैलेंसिंग मास लगा करके हम शेकिंग फोर्सेज और शेकिंग कपल को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर शेकिंग फोर्सेज और शेकिंग कपल को बैलेंस करना ही हमारा रेसिप्रोकेटिंग मासेस की बैलेंसिंग करने का पर्पस होता है। अब हम यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मासेस की बैलेंसिंग को समझने के लिए एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। यह हम डायग्राम में देख सकते हैं, हमने एक क्रैंक कंसिडर की है। इस क्रैंक को हमने डिनोट किया है यहाँ पर OC से। ये क्रैंक हमारी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पर रोटेट हो रही है। क्रैंक की रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r है। इस क्रैंक को कनेक्टिंग रॉड PC के माध्यम से पिस्टन से जोड़ा गया है। ये पिस्टन यहाँ पर एक सिलेंडर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यहाँ पे दिखा रखा है। मीन्स क्रैंक OC के रोटरी मोशन के माध्यम से यहाँ पर फाइनली हमें पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्राप्त हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर इंजन के अनबैलेंस फोर्स को ज्ञात करने के लिए क्रैंक की एक पोजीशन को यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं क्रैंक हमारी थीटा एंगल पर यहाँ पर झुकी हुई है। क्रैंक के सेंटर पॉइंट O से पॉइंट P के बीच की दूरी यहाँ मान लेते हैं हम स्मॉल x है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस मैकेनिज्म में लगने वाले फोर्सेस की। तो जब हमारी क्रैंक पिस्टन को रोटेट करती है तो पिस्टन को एक्सीलरेट करने के लिए आवश्यक फोर्स का मान हम मान लेते हैं, ये होता है हमारा FR। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग पार्ट में लगने वाले इनर्शिया फोर्सेस की। तो यहाँ पर हमारा जो इनर्शिया फोर्स लगेगा वो हमारी पिस्टन के लाइन ऑफ स्ट्रोक के पैरेलल लगेगा। तो ये हमारी पिस्टन की लाइन ऑफ स्ट्रोक है, तो इनर्शिया फोर्स हमारा इसके पैरेलल लगेगा और ये हमारा FR के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा और FR के जस्ट इक्वल होगा। तो हम यहाँ डिनोट कर देते हैं, हमारा FI इक्वल होगा FR के। इसके अतिरिक्त हम यहाँ देख लेते हैं जो हमारी सिलेंडर की वॉल्स हैं इस पर नॉर्मल फोर्स लगता है, इसको हम डिनोट कर देते हैं FN से। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारा क्रैंकशाफ्ट की मेन बियरिंग पर फोर्स लगता है, इसको हम डिनोट कर देते हैं FB से। क्योंकि FB जो फोर्स हमारा लग रहा है ये लगेगा थीटा एंगल पे यहाँ पर, तो हम FB के कंपोनेंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमारा जो FB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसको हम डिनोट कर देते हैं FBS से, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम डिनोट कर देते हैं FBV से। अब यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FBH है, ये कंपोनेंट हमारा जस्ट इक्वल होगा FI के। FI हमारा क्या है, इनर्शिया फोर्स है, तो ये हमारा जस्ट इक्वल होगा FI के और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा FI के। तो ये जो हमारा FBH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बियरिंग फोर्स का, ये फोर्स ही हमारा कहलाता है अनबैलेंस फोर्स, जिसे हमें यहाँ पर प्रॉपरली बैलेंस करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम नोटिस कर सकते हैं FB का वर्टिकल कंपोनेंट FBV, यहाँ हमने डिनोट किया हुआ है FBV, ये हमारा
एफ एन के इक्वल होगा, एफ एन हमारा नॉर्मल फोर्स है इसके इक्वल होगा, और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के यहाँ पर लग रहे हैं। तो क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और एक दूसरे से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे लग रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर एक शेकिंग कपल जनरेट होगा। तो शेकिंग कपल जो यहाँ पर लगेगा इसका मान हमारा इक्वल होगा एफ एन, और यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी स्मॉल एक्स, तो एफ एन इंटू एक्स ये कपल हमारा यहाँ पर लगेगा, या हम इसको लिख सकते हैं एफ बी वी इंटू एक्स। तो हमें यहाँ पर इस शेकिंग कपल को भी बैलेंस करना आवश्यक है। अदरवाइज यदि हम इस शेकिंग फोर्स और शेकिंग कपल को यहाँ पर बैलेंस नहीं करेंगे तो इंजन में बहुत अधिक वाइब्रेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो हम यहाँ पर शेकिंग फोर्स को एप्रोप्रिएट मास लगाकर बैलेंस कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब हम शेकिंग फोर्स को बैलेंस करेंगे एप्रोप्रिएट मास लगा के, तो इसकी प्रैक्टिकली कंप्लीट बैलेंसिंग करना संभव नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम केवल इसकी पार्शियल बैलेंसिंग ही कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस अनबैलेंस फोर्स की पार्शियल बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो जब हमें अनबैलेंस फोर्स की पार्शियल बैलेंसिंग यहाँ पे करनी है तो हमें इसके लिए अनबैलेंस फोर्स का मान पहले ज्ञात करना होगा कि हमारा अनबैलेंस फोर्स एफ यू का मान कितना होगा। तो इस अनबैलेंस फोर्स के मान को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स कंसिडर करेंगे। हमारा अनबैलेंस फोर्स, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा अनबैलेंस फोर्स एफ यू इक्वल होता है इनर्शिया फोर्स के। तो हम यहाँ डिनोट कर देते हैं एफ यू हमारा इक्वल है एफ आई के, ये जस्ट इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इनर्शिया फोर्स के। अब यदि हम किसी तरह से यहाँ पर इनर्शिया फोर्स का मान ज्ञात कर लें तो हमारा अनबैलेंस फोर्स का मान हमारे पास आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा इनर्शिया फोर्स, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इनर्शिया फोर्स हमारा इक्वल है यहाँ पर पिस्टन को एसिलेट करने के लिए आवश्यक फोर्स के, जिसको हमने डिनोट किया था एफ आर से। तो एफ आई हमारा इक्वल है एफ आर के, और जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, पिस्टन पर लगने वाला एक्सेलरेशन का मान हमारा इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाय एन के। तो इस वैल्यू को हम एक्सेलरेशन की यहाँ पुट कर सकते हैं एफ आर का मान निकालने के लिए। तो हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा इनर्शिया फोर्स एफ आई का फाइनल मान क्या मिलेगा हमें, मास हम मान लेते हैं हमारा स्मॉल एम है, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर आर कॉस टू थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाय एन। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इनर्शिया फोर्स का मान निकाल लिया है और ये इक्वल है हमारा अनबैलेंस फोर्स के, तो हमारा अनबैलेंस फोर्स का मान यहाँ पर आ गया है एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाय एन। अब हम यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर टर्म को यहाँ अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर मल्टीप्लाई विद कॉस टू थीटा बाय एन। तो यहाँ पे हमें दो एक्सप्रेशन यहाँ पे मिले। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारा है एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये कहलाता है हमारा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। इसके बाद में हम देख लेते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन को एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस टू थीटा बाय एन, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो हमारे पास में यहाँ पर प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स दोनों की वैल्यू आ गई है। तो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स को हम डिनोट कर देते हैं एफ पी से, और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स को हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पर एफ एस से। तो यहाँ हम कुछ पॉइंट्स नोटिस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमने नोटिस किया जो हमारा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स हमें मिला, इसकी हमें थीटा 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी। हम यहाँ पर थीटा का मान पुट कर देते हैं 0 डिग्री, तो कॉस 0 और कॉस 180 पर हमें एफ यू की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, ये होगी हमारी एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्रैंक के हर रिवोल्यूशन में हमें
प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की दो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स के लिए थीटा का मान 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री रखने पर हमें सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होंगी। तो हमारा ये वैल्यू होगी Fs, थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री रखने पर हमें मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अपॉन एन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्रैंक के हर रिवोल्यूशन में सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की हमें 4 मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त हम नोटिस कर सकते हैं सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स का मान प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स का 1/n टाइम्स होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ हमें एक पॉइंट और देखना है, हमारा जो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स का मान होता है ये इंजन की मॉडरेट स्पीड पर बहुत स्मॉल होता है, तो इस केस में हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो सामान्यतः जब हम इंजन की बैलेंसिंग करते हैं तो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स के मान को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने अनबैलेंस फोर्स का मान निकाला जिसको हमने प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की टर्म्स में यहाँ पे कैलकुलेट किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इस अनबैलेंस फोर्स की पार्शियल बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।